एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ है तो बच्चे परेशान हो गए हैं कि सेशन वन में क्या होगा, सेशन वन क्वालिफाइंग है कि सेशन टू में फाइनल मेरिट जुटेगा, नेगेटिव मार्किंग किसमें होगा, नेगेटिव मार्किंग किसमें नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फुल डिटेल एसएससी एमटीएस 2023 का। अभी मतलब ऑनलाइन फॉर्म से लेके स्टार्टिंग सिलेक्शन तक आपको क्या क्या करना होगा इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर चुके हैं या एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी एमटीएस 2023 का फॉर्म निकल चुका है, जो कि अप्लाई डेट अगर आप माने तो अप्लाई डेट यहाँ पर आपका 18 जनवरी से लेके करीब यहाँ पर 15 फरवरी या 18 फरवरी तक दिया गया है। ठीक है, मतलब इसके आसपास दिया गया है, एग्जैक्ट डेट हम देखे नहीं थे लेकिन वन मंथ का समय दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सेशन वन और सेशन टू, तो सेशन वन में क्या आपको लाना पड़ता है, मतलब सेशन वन में क्या क्वालिफाइंग होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। सेशन वन में आपका क्या है, मैथ है, कितना 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिल रहा है आपको, 3 मार्क्स, कितना 3 मार्क्स। रीजनिंग जो है आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो सबसे पहली बात हम एक बात क्लियर कर दे आप लोगों को कि आपका जो टायर वन एग्जाम होगा ना, ये जो आप टायर वन देख रहे हैं एसएससी एमटीएस में, एक ही एग्जाम होगा, किसके लिए, एमटीएस के लिए। तो एक ही एग्जाम होगा एमटीएस के लिए और उसी में दो सेशन होगा। तो चलिए बताते हैं, देखिए ये मैथ्स और रीजनिंग टोटल कितना 40 क्वेश्चन। तो जो जनरल वाले हैं तो जनरल वालों को कितना परसेंट लाना होगा पास होने के लिए, ये क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, तो कितना परसेंट लाना होगा, 30%, कितना जनरल वालों को 30%। उसके बाद आपका जो ओबीसी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना 25%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25%, और आपका जो एससी एसटी है उसको 20% लाना होगा। इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप इतना लाइएगा तो पास हो जाएगा। हम आपको इसको फुल डिटेल में समझाते हैं कि किस तरह से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना 40 क्वेश्चन है टोटल, 40 का जब 30% करेंगे तो कितना होगा, 12 क्वेश्चन, कितना आपका कितना होगा, 12 क्वेश्चन। और वहीं पर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 का 25%, यहाँ पर 10 क्वेश्चन होगा, कितना 10 क्वेश्चन। उसी तरह हम अगर 40 का 20% करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब कि अगर आप यहाँ पर सेशन वन में आपको कम से कम मिनिमम, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर हुए वाला सेशन टू चेक हो, तो आपको कम से कम 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 10 क्वेश्चन, एससी एसटी है तो 8 क्वेश्चन। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, चाहिए तो चाहिए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। तो आप बता देते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा। देखिए यहाँ पर जो आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 12 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 36। तो 36 मार्क्स लाना होगा जनरल वालों को, ठीक है, और 30 मार्क्स लाना होगा किसको, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। और आपका जो ये एससी एसटी है तो इनको कितना 24 मार्क्स लाना होगा, कितना 24 मार्क्स। तो ये आपका डिटेल था। अगर आप पास होना चाहते हैं एसएससी एमटीएस में तो सेशन वन में इतना मार्क्स तो लाना ही होगा। सेशन वन में जैसे कि आपका जनरल में 36 मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपका यहाँ पर 30 मार्क्स, एससी एसटी में 24। अगर आप इतना लाते हैं तभी आपका मतलब कि ये एग्जाम एक ही दिन में हो जाएगा। ये जो टायर वन है, जैसे 45 मिनट का पहले ये सेक्शन खुलेगा, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा 45 मिनट का कंप्यूटर में आपका जैसे दे लिए, फिर वो बंद होके उसी समय आपका सेशन टू खुलेगा जीके और इंग्लिश का 45 मिनट का। ठीक है, तो एक ही दिन में एग्जाम होगा, ये बात तो हम सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपका एक ही दिन में एग्जाम होगा, तो जैसे कि आप एग्जाम दे के आ गए तो आप सोचेंगे कि वो पेपर मेरा चेक होगा कि नहीं, तो मान के चलिए कि अगर आप इतना इतना सही कर रहे हैं, जनरल से है आप 36 मार्क्स आ रहा है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है 30 मार्क्स आ रहा है, मतलब कि 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, एससी एसटी को कितना 8 क्वेश्चन सही करना है, मतलब 24 मार्क्स इतना ला रहे हैं, तभी वो वाला पेपर चेक होगा। अब हम बात कर लेते हैं ये पोस्ट। देखिए एमटीएस में 10,880 पोस्ट है और हवलदार में 529 पोस्ट है। और एमटीएस में कुछ नहीं होगा, आप ये दोनों ये एग्जाम जो एक ठो टायर वन का देके आइएगा ना, मान लीजिए कि आप इसमें आप जनरल कैटेगरी से 36 मार्क्स ला लिए और वहां भी मेरिट क्वालिफाई कर दिए, आपका डायरेक्ट जॉब। सिर्फ हवलदार में आपको फिजिकल देना होगा, ठीक है, तो हवलदार में क्या फिजिकल होगा, मेल है तो 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है, एक तरह से मान लीजिए तो आप दौड़ के भी पहुंच जाइएगा। फीमेल है तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में, इस तरह से। और इस बार जो एग्जाम होने वाला है 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा, मतलब कि देखिए यहाँ पर आप मैथ्स और रीजनिंग देख रहे हैं तो पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शन रहता था, मैथ या तो इंग्लिश में आएगा या हिंदी में, लेकिन अब आपका बंगाली में आएगा, पंजाबी में आएगा, लगभग 13 रीजनल लैंग्वेज में आएगा। वो 13 रीजनल लैंग्वेज के बारे में हम एक वीडियो में अलग से बता देंगे आपको। अब हम बात करते हैं सेशन टू के बारे में। सेशन टू में आपका जीके और इंग्लिश है, जीके में 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन है, टोटल आपका कितना है यहाँ पर टोटल आपका 50 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, 45 मिनट का समय दिया गया है। तो देखिए ये पेपर तो सिर्फ आपका है कि क्वालिफाइंग है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये पेपर जैसे ही आपका मान लीजिए कि आप दोनों एग्जाम तो एक ही दिन में दे रहे हैं सेशन वन सेशन टू, जैसे ही आप जनरल कैटेगरी से आपका इसमें 36 आया तो वो आपका एग्जामिनर ये पेपर चेक करने चला जाएगा
और ये पेपर में क्या ये जो कट ऑफ आएगा उसी से आपका क्या बनेगा फाइनल मेरिट, क्या बनेगा फाइनल मेरिट, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा इसी से बनेगा, इस पेपर से, जीके और इंग्लिश से फाइनल मेरिट। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, मान लीजिए मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप इतना नहीं ला पाते, जनरल होके 36 नहीं ला पाते या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होके 30 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपका वो पेपर मेन पेपर चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको इतना मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फाइनल कटअप जाएगा, फाइनल कटअप क्या जाएगा आपका 150 मार्क्स है, तो 150 मार्क्स में से आपका जो जनरल का कटअप जाएगा, तो एसएससी एमटीएस का कटअप स्टेट वाइज जाता है, ठीक है, स्टेट हर स्टेट का, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल का अलग जाएगा, झारखंड का अलग, बिहार का अलग, महाराष्ट्र का अलग, गोवा का अलग। लेकिन हम एक एवरेज कटअप बताएं जो हाईएस्ट स्टेट से लेके बता सकते हैं, जिस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, तो वह आपका कितना रहेगा, जनरल का लगभग आपका रहेगा 120, कितना रहेगा 120, ओबीसी का आप मान के चल सकते हैं 100 के आसपास रहेगा, एससी का आपका 95 के आसपास रहेगा, आपका एसटी का थोड़ा कम रहता है जो कि आप 80 के आसपास रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का उससे भी कम रहता है जो कि आपका 70 के आसपास रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन गलत किए 1 मार्क्स गया, ठीक है। ये आपका फाइनल मेरिट है, फाइनल कट ऑफ यही आपका आने वाला है, फाइनल जो आपका, मान लीजिए आप जनरल है 120 मार्क्स ला लिए और ये पेपर भी आपका क्वालिफाई कर गया, इसमें भी 36 ला लिए, तो आप वहां पर पास कर जाएंगे। ये हम देखिए एसएससी एमटीएस का स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, ये जो हम कट ऑफ बताए हैं एक हाईएस्ट स्टेट का कट ऑफ, जैसे कि आप मान सकते हैं बिहार या झारखंड का कट ऑफ उठा के हम आपको बता दिए कि इस हिसाब से आपका 150 में से ये आने वाला है। और सबसे मेन एक बात को याद रखना है कि टायर 1 एग्जाम एक ही एग्जाम होगा एसएससी एमटीएस के लिए, एक ही दिन में पहले ये सेशन खुलेगा 45 मिनट के लिए, फिर ये बंद होगा, फिर वो खुलेगा। सिर्फ हवलदार के लिए फिजिकल होने वाला है और ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको इसमें 36 मार्क्स जनरल है तो लाना पड़ेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 30 मार्क्स, एससी एसटी है तो 24 मार्क्स। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका आंसर दूंगा। और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस का जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वह भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।